गाइज, मैं हूँ रितेश फ्रॉम विनवल रियलिटी सर्विसेज। आज एक और चिटचैट वीडियो बनाएंगे और आज डिस्कशन करते हैं जो सेंट्रल पार्क का रिसेंट प्रोजेक्ट है सेक्टर 104 में द्वारका एक्सप्रेसवे पे। एक तो गाइज मानना पड़ेगा कि मैंने भी गुड़गांव के अंदर ना ये सीन पहली बार देखा है ने इतने साल के करियर में। अच्छा खासा टाइम हो गया क्योंकि 2008 से मैं रियल एस्टेट में हूँ, नाउ ऑलमोस्ट आई हैव गॉन टू इन 2023। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो ऐसा सीन मैंने कभी गुड़गांव में नहीं देखा था। प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अच्छे रेट्स पे आ रहे हैं एंड इट्स सेलिंग लाइक एनीथिंग। बहुत लोग आपको ये बोलेंगे कि रैट रेस चल रहा है, स्पेकुलेशन है, रेट अनाप शनाप बढ़ रहे हैं, ऐसे वैसे करके। तो खैर ठीक है, उनके अपने व्यूज हैं, हमारे अपने व्यूज हैं। मैं पॉजिटिवली देखता हूँ उस बात को कि गुड़गांव शहर का ट्रांजिशन हो रहा है, नॉट इन गुड़गांव ऑल्सो, ऑल ओवर इंडिया भी प्राइजेस हर जगह बढ़े हैं। आज से कुछ सालों पहले 1000 रुपए स्क्वायर फुट में फ्लैट मिल जाते थे, 1500 रुपए पर स्क्वायर फुट में फ्लैट मिल जाते थे, आज उस जगह पे भी 5000-6000 रुपए फुट से कम में नहीं मिलता। तो 5000 रुपीज अब मिनिमम से मिनिमम भी अपार्टमेंट का कॉस्ट हो चुका है ऑल ओवर इंडिया। कहीं पर भी आप अगर लेने जाते हो, एक मिनिमम बेसिक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का भी मैटर है, लैंड कॉस्ट तो बढ़ा ही बढ़ा है ऑल ओवर इंडिया। तो उस हिसाब से गुड़गांव में भी जो एक इनपुट है वो बढ़ा है। ओवरऑल डेवलपमेंट्स भी हैं आज के डेट में, कई सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं, कई सारी चीजें आ रही है, एमएनसीज आ रही है, अच्छे जॉब्स आ रहे हैं, लोगों के अपने परचेजिंग पावर्स बढ़ रहे हैं। और मैंने एक चीज देखा, गुड़गांव में जो प्रॉपर्टी के इन्वेस्टर्स होते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट में भी काम करते हैं, जो हमारे पास ज्यादातर लोग आते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची है मिड सिटीज में जहां से वो आए हैं। गुड़गांव के ज्यादातर लोग तो बाहर से आए हैं, तो उस कारण से भी लोगों का एक परचेजिंग पावर में बहुत ड्रास्टिकल इंक्रीज है, क्योंकि मिड सिटीज में भी प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़े हैं। चाहे आपके पास बिहार में जमीन थी, बंगाल में थी, पंजाब में, हरियाणा में, कहीं साउथ में, कहीं पर, एवरी इन नॉर्थ ईस्ट में था, वहां पे भी लोगों की प्रॉपर्टीज करोड़ों में हो गई। तो मतलब लोगों का ड्रास्टिकली प्रॉपर्टी का परचेजिंग पावर बढ़ा है, जॉब्स भी बढ़ी है, सैलरी भी बढ़ी है। अब कई लोग जिनके बेचारों की नहीं बढ़ी है, वो सोचेंगे यार हमारी तो जॉब की इंक्रीमेंट नहीं हो रही और आप ऐसी बातें कर रहे हो। तो यार स्टैटिस्टिक्स मैंने देखा है कि जो 25-26-26-26 साल के ऐसे क्लाइंट से मिलता हूं जिनकी अच्छी खासी सैलरी है। मैंने अपने 30-30 साल के बंदों को ऐसी प्रॉपर्टीज लाई है जिन्होंने 5-5 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है एंड दे आर फुल्ली एलिजिबल, उनके लोन सैंक्शन हो जाते, तो उसे हमें पता लग जाता है इसकी पेइंग कैपेसिटी, तब इतना हैवी लोन सैंक्शन हो जाता है उस बंदे का। तो सेंट्रल पार्क की हम बात करते हैं, देखो सेंट्रल पार्क का प्रोजेक्ट है सेक्टर 104 में। ये प्रोजेक्ट थोड़ा डिफरेंट है जो एमआर का अर्बन ऑइसिस आया था। अर्बन ऑइसिस का मतलब एक हाइप था मार्केट में, बिकॉज रेट वॉज वेरी रीजनेबल, एक्सटेंशन रोड पे ऑलरेडी रेट फ्रिज थे वहां पर, एमआर का अपने एक ब्रांड नेम था। बहुत दिन बाद इन्होंने के प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और इनका ऑलमोस्ट डीजी होम्स वॉट एट पार जिस रेट पे इन्होंने लॉन्च किया था, तो ज्यादा उसके पीछे ना ज्यादा साइंस नहीं था, उस हिसाब से हाइप क्रिएट हो गया। बट सेंट्रल पार्क जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, 23,000 रुपीज बीएसपी एट द्वारका एक्सप्रेसवे, वो भी सेक्टर 104 में, आप बिलीव नहीं करोगे। ज्यादातर लोगों का फोन आता है ना द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए, ज्यादा परचेजिंग पावर वाले लोग होते, प्रीमियम प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, वो कहते हैं दिल्ली के पास चाहिए, सेक्टर 112 है, 113, 114, 110, ऐसे ऐसे करके चीजों को लेकर मैं जैसे पॉइंट बता रहा हूँ। ये तो ऑलमोस्ट मिडिल में है द्वारका एक्सप्रेसवे के, 104, ये तो कोई ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये बहुत क्लोज है आपके दिल्ली के। कहने का मतलब नाइदर यू आर नियर टू दिल्ली जो सबसे ज्यादा लोग डिमांड करते हैं, आप तो 104 में हो, 104 तो बहुत एवरेज लोकेशन है। अगर वहां पर देखोगे तो कंपेटिवली इन्होंने जिस रेट पे लॉन्च किया, इट्स ऑलमोस्ट डबल ऑफ द प्राइस, उसके बावजूद भी देयर इज अ बंपर सेल, ईओआई इनके पास आ गई, इन्होंने इनॉग्रल डिस्काउंट बंद कर दिया है, 3 BHK कंप्लीट कर दिया इन्होंने, 4 BHK भी मिलता है, मतलब अब समझो 23,000 रुपए का रेट है, 750 रुपए के इनॉग्रल डिस्काउंट है, तो इट्स ऑलमोस्ट 22,250। उसके बाद साइजेस की आप बात करोगे तो करीब 3 BHK ही बड़ा साइज है, 3400 फुट का आपका, और 4 BHK 4400 स्क्वायर फीट, यानी कि अगर आप मिनिमम बीएसपी भी देखते हो तो इट कम्स टू 3300 × 22,250, 7,35,00,000 रुपए। इसके बाद आप चार्जेस वार्जेस जोड़ के ऑलमोस्ट आप 1 करोड़ रुपए और पहुंचा दो, तो यू हैव गॉन टू लाइक मतलब 3 BHK और बाइंग एट ऑलमोस्ट क्लोज टू 8.5 CR। पीएलसी अगर आप 15 फ्लोर से ऊपर जाते हो तो 750 से लेके 3,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का पीएलसी, डिपेंडिंग अपॉन लाइक उससे ऊपर जाओगे तो 1500 फिर 3,000 रुपीज। तो मेरा कहना है पीएलसी भी अच्छी खासी है, जीएसटी भी लगेगा, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, तो मेरा कहना अच्छा खासा कॉस्ट हो गया। और यही हम 4 BHK जाए तो ऑलमोस्ट आपका 4,400 × 42,750, 10 करोड़ रुपए बेसिक सेल प्राइस, ऑलमोस्ट 11-12 करोड़ रुपए का 4 BHK का 4400 स्क्वायर फीट का। यानी कि एक बात तो पक्का हो गया कि मैंने एक्सपीरियन में जिनको भी प्रॉपर्टी बेची है ना, उनको तो लॉटरी लग गई है, या फिर द्वारका एक्सप्रेस पे चाहे एलान हो और भी जो भी प्रोजेक्ट्स हमने बेचे उनको तो लॉटरी लग गई है, तो पक्का है। एक चीज तो मेरा फिक्स हो गया क्योंकि मैंने कई पुराने वीडियोस में बताया आपको कि द्वारका एक्सप्रेस वे का फ्यूचर है बहुत तगड़ा, उसने बहुत स्ट्रगल किया अपने आपको, बट क्योंकि स्ट्रेटेजिकली वो इतना वेल प्लेस्ड है कि उसका एक अपना स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज है लोकेशन का, वो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो इट्स अ वेरी गुड, मतलब ऐसा नहीं कि कोई सस्ता प्राइस, इट्स अ गुड प्राइस एक्चुअल में। इनफैक्ट अगर आप मेरे से पर्सनली पूछोगे तो मैंने विलास जो बेचे हैं एक्सपीरियन में उसे सस्ते बेचे हैं एक जमाने में, तो अच्छा प्राइस है। उसके बावजूद भी कंपनीज विड्रॉइंग देयर इनॉग्रल डिस्काउंट्स। अब बात करते हैं एक ऐसा बिल्डर गुड़गांव में जो एग्जिस्टिंग लोकेशन में डबल ऑफ द प्राइस बेचता है और उसका माल बिक जाता है, मतलब बिकता नहीं है, पीपल आर क्रेजी टू बाय इट।
ऐसा क्यों है? इसके पीछे ना आपको सेंट्रल पार्क का जो सबसे बढ़िया डिलीवर्ड एग्जांपल है वो देखना पड़ेगा, सेंट्रल पार्क रिसॉर्ट। सोना रोड पे आज भी रीसेल मार्केट में भी जो एग्जिस्टिंग रेटों से डबल ऑफ द प्राइस है, यानी कि सिर्फ बिल्डर डबल में बेचा ही नहीं है, बिल्डर वो प्राइस को रिटेन भी करता है। एक्चुअल में एक एडवांटेज है, नेचुरल सी बात है कि मैं ये भी कहूंगा कि चलो वो बड़ा लैंड था तो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स टू डेवलप, बट ये भी एक जो प्रोजेक्ट आएगा, तो मतलब मेरा सिर्फ ये कहना है कि सेंट्रल पार्क ने हमेशा ही एग्जिस्टिंग मार्केट रेट से डबल में बेचा है, उस टाइम भी वो डबल में बेचता था। यही रीजन था कि मैं फ्रैंक बात बता रहा हूँ कि एक जमाने में ना CHD का प्रोजेक्ट आया था, CHD एवेन्यू 71, तो उस टाइम मैं नया नया आया था, रियल एस्टेट ज्यादा पुराना नहीं था, तो उस टाइम सब ये बोल के बेचते थे सर ये देखो सेंट्रल पार्क वाला लूट रहा है, सर देखो आपको डबल प्राइस में बेच रहे, ट्रिपल प्राइस में बेच रहे, आप सस्ते में ले रहे तो आपका डबल हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा ऐसे वैसे कर। पर एंड ऑफ द डे सस्ता तो उन्होंने बेचा, बट एंड ऑफ द डे आज भी मुझे लगता है जिसने CHD लिया उसको बिल्कुल भी फायदा नहीं, और जिसने सेंट्रल पार्क लिया दे हैव मिंटेड मनी, वो चीज एक्जैक्टली। तो कई बार होता है कि महंगा का मतलब ये नहीं है कि मतलब प्राइस प्रोडक्ट हमेशा गलत हो, इट डिपेंड्स कि आप एग्जीक्यूट कैसे करते हो, दैट मैटर्स, क्योंकि सेंट्रल पार्क पे लोगों का ट्रस्ट है कि दे विल एग्जीक्यूट इन अ वेरी एग्जुबरेंट मैनर। ये एक लैंडमार्क प्रॉपर्टी तैयार करने का एक्सपर्ट है, दे विल डू इट। मतलब ये समझ के चलो कि आज के रेट में सेंट्रल पार्क का अगर रिजॉर्ट देखोगे तो दे हैव DLF से ज्यादा रेट्स पे दे कैन सेल देयर प्रॉपर्टी, क्योंकि इसके वन ऑफ द एग्जांपल्स है सोना। सोना में इन्होंने जब प्लॉट्स बेचे थे जब 40,000 रुपए रेट होते थे 80,000 में बेचते थे, तो हमेशा से इन्होंने मतलब डबल ही प्राइस में बेचा है वहां पर। उसके बावजूद भी अगर प्लॉट्स के एप्रिसिएशन की बात करोगे तो फ्लावर वैली में अच्छे खासी एप्रिसिएशन हो गई है, दे विल डेवलप इन अमेजिंग वे। आज फ्लावर वैली में इनफैक्ट आपको मैं वैसे बता दूंगा, सेंट्रल पार्क का आप अगर इतना भाग रहे हो प्रोजेक्ट के पीछे और आपको नहीं मिल रही प्रॉपर्टी, मैं वैसे बता दूंगा सेंट्रल पार्क का ना एक प्रोजेक्ट है ऑर्चर्ड करके, सोना में है। वो क्या है, लोराइज डेवलपमेंट मतलब बिल्डर फ्लोज है, और इन्होंने क्या किया ना, क्योंकि नाम से आपको समझ में आ रहा है ऑर्चर्ड है, क्योंकि देखो अभी द्वारका एक्सप्रेस वाले की कोई डिजाइन तो मेरे पास है नहीं तो मैं ज्यादा बात कर नहीं सकता, पर मैं ऑर्चर्ड के बारे में अगर आपको बताऊं, लोराइज डेवलपमेंट है, बिल्डर फ्लोज है, और वहां पे भी 3 BHK आपको 4 crore का मिलता है आपको। मैं ये नहीं कहूंगा कि सस्ता है, उस प्रोजेक्ट को देख लोगे ना, उस प्रोजेक्ट में 60% ग्रीन एरिया दिया बीचों बीच, क्या मतलब आप ये समझ के चलो कि बहुत खूबसूरत लगेगा आपका। और उसके अलावा प्रोजेक्ट के जो फेंसिंग में मतलब प्रोजेक्ट ऐसे लंबा करके तो दोनों तरफ के वॉल्स में इन्होंने प्रॉपर 3-4 इन्होंने वो दिया है स्टेप्स दिए हैं जहां पर प्रॉपर ये प्लांटेशन करेंगे जिसमें ये फ्रूट्स के ट्रीज लगाएंगे। कभी किसी रिजॉर्ट में आप जाओगे ना तो आप कभी ऑब्जर्व करना कि जैसे वो एकदम पहाड़ वहाड़ वाले एरिया में बनते हैं तो वहां स्टेप्स में वो लोग ट्रीज लगा के मतलब उसके बाउंड्री करते हैं, एक्चुअल में इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। तो उस तरीके से ही वो वैसा लगेगा एक्चुअल में, तो प्रोडक्ट बहुत प्यारा होगा। नेचुरल सी बात है कि सोना में 4 crore रुपए सुनकर थोड़ा सा आपको धक्का लगेगा, पर देखो अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे तो जस्टिफाइड, क्योंकि सोना आज के डेट में मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ, फ्लावर वैली जाने में ना कई बार एक्सटेंशन रोड से जल्दी में वहां पहुंच जाता, जिस हिसाब से ये डेवलप करे उस हिसाब से बहुत अच्छा, क्योंकि वहां पर ये सस्ता प्रोजेक्ट लाएंगे नहीं, सस्ता नहीं लाएंगे तो एक मतलब एक होता है ना कि ये प्रोडक्ट हमेशा से एक आउट परफॉर्म करेगा चीज़ों को लेकर, क्योंकि डेवलप उस हिसाब से करेंगे। वहाँ पर ये आइकॉनिक टावर लेके आ रहे 7-7 crore रुपए में सोना के अंदर, तो ये चीज़ें हैं, पर वो प्रोडक्ट अच्छा, मैंने उसका वीडियो बनाया हुआ है, मैं वीडियो का एक लिंक दे दूंगा नीचे, आप उसको देखना, प्रोडक्ट को समझना एक्चुअल में आराम से तसली से देखे समझना। ऑर्चर्ड प्रोडक्ट का नाम मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है, मैं तो ये कहता हूँ कि जिसको MR कार्बन ऐसे नहीं मिला जाके ले ले, ज़्यादा बेटर है। सेंट्रल पार्क वाले प्रोजेक्ट की बात मैं करूँ तो ये चीज़ पक्का है कि मतलब आज के डेट में सेंट्रल पार्क का लोग ये नहीं देखते कि कहाँ क्या है, बस सेंट्रल पार्क पे इन्वेस्ट करते। नेचुरल सी बात है अगर बिल्डर ने ऐसा ट्रस्ट बनाया तो हैट्स ऑफ टू देम, अच्छा काम किया होगा तभी हम वो कह सकते हैं। पर्सनली दे आर वेरी मच इन्वॉल्व, ये एक एक प्रोजेक्ट पे पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं। रिसॉर्ट्स में कई बार ये भी देखा है कि मतलब कई बार वो टनल तोड़ते रहते हैं, बनाते रहते हैं, कुछ भी नहीं पसंद आता है, वो चीज़ें चेंज करते रहते हैं, तो दैट्स एग्जोबरेंट लिविंग। वहाँ पर भी वैसा ही कुछ करेंगे एक्चुअल में, आई थिंक 9 acre का प्रोजेक्ट है जिसमें 2 acre कमर्शियल है, 7 acre ये रेजिडेंशियल टावर्स ले आएंगे, आइकॉनिक टावर्स टाइप लिखेंगे और लैंडमार्क बिल्डिंग बनाएंगे जैसा भी लाएंगे। मतलब आप इस सेंट्रल पार्क के जो भी प्रोजेक्ट से वीडियोज देखोगे ना, इनफैक्ट बेलविस्ता मैंने स्टूडियो अपार्टमेंट का भी आपको वीडियो दिया था, तो आप एक एक चीज में समझ जाओगे कि ये प्रॉपर्टी भी ना बहुत कुछ एक्स्ट्रा देते हैं, यानी कि ये 22,000 रुपए में बेच रहे हैं तो ये सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहे हैं, कई लोग इस थीम में रहेंगे, मतलब दे विल गिव यू समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। देखो नेचुरल सी बात है अगर बिल्डर से आप एक्सपेक्ट करते हो कि गुड़गांव में आपको वही आइकॉनिक टावर्स दिखे जो सिंगापुर और दुबई में दिखते हैं, तो मतलब यू हैव टू शेल एक्स्ट्रा कॉस्ट, और लोग दे रहे हैं आज के डेट में, तो बिल्डर से भी एक्सपेक्टेड है कि बिल्डर ऐसे ही कुछ बनाए, पर पर्सनली इट हैज ब्रोक ऑल रिकॉर्ड। और मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है जिनको भी मैंने द्वारका एक्सप्रेस से प्रॉपर्टी दिलाई आज के डेट में दे शुड बी वेरी हैप्पी। बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आप हमें कॉल करते रहो, वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, नथिंग टू लूज। एंड सेंट्रल पार्क का भी आप देख लो, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है एक्चुअल में, ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आपने सेंट्रल पार्क मिस कर दिया तो यू डोंट हैव एनी प्रोजेक्ट्स टू टेक इट, वहां पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, इनफैक्ट ऐलान आप देख, इट्स अमेजिंग प्लान आपको बता रहा हूँ। अब तो ज्यादा यूनिट्स अवेलेबल नहीं है वहाँ पर, और आपके एक्सपीरियन इज अमेजिंग, मैं तो आज भी एक्सपीरियन का डाई हार्ड फैन हूँ, हमेशा सबको बोलता हूँ ये बातें। ये चीजें हैं, बाकी तो देखो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है, वीडियोज काफी सारे बने हुए, 140 से ज्यादा वीडियो ऑलरेडी है, तो 150 हो गएंगे ऑलमोस्ट, बाकी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है। क्योंकि आपको अगर ऑर्चर्ड का एक एग्जाम्पल देखना है तो कुछ, जैसे मैंने आपको रिजॉर्ट वाला एग्जाम्पल दे दिया, अगर मेरे पास
कुछ फोटो वोटो पड़ी होगी ना तो मैं वीडियो में लगा दूंगा। और दूसरी चीज होगी अदानी समसारा का, मैंने भी वीडियो वैसे शूट किया है। समसारा में ना कुछ इन्होंने फ्लोर्स लॉन्च किए, समसारा में क्या बीच में लेक है, अगर आप सोसाइटी में कभी कैजुअली घूमोगे ना मैं एक दो वीडियोस लगाऊंगा, फोटोज लगाऊंगा, यू विल फील अमेजिंग। तो ये चीजें कॉन्सेप्चुअल सेलिंग होगी मेरे हिसाब से। अगर आपने ऑर्चर्ड मिस किया या कल को आप द्वारका एक्सप्रेस वे पे सेंट्रल पार्क की प्रॉपर्टी लेने बहुत इंटरेस्टेड थे और आप उस बजट तक नहीं जा सकते थे, तो आग बंद करके ऑर्चर्ड में चले जाओ गाइस। दिस इज हियर आई एंड माय वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।